जाता है, जो सोकर उठती है और उसके बाद एल्बम में अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है। और तभी उसका बेटा डॉल्टन भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपनी मदर के साथ पिक्चर्स देखने बैठ जाता है। डॉल्टन अपनी मदर रेनाई की बचपन की पिक्चर्स देखने के बाद अपने फादर जोश की बचपन की पिक्चर्स देखने के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मदर उसे आंसर करती है कि तुम्हारे फादर की बचपन की कोई भी पिक्चर नहीं है, क्योंकि वो अपनी पिक्चर्स को संभाल कर नहीं रखती। इसके बाद रेनाई अपनी बुक्स को एक बुक शेल्फ में रखती है, लेकिन कोई उन बुक्स को गिरा देता है। रेनाई समझती है कि शायद उन बुक्स को बच्चों ने गिराया है, जिस पर वो बच्चों को डांटती है, लेकिन असल में उन बुक्स को बच्चों ने नहीं गिराया था, बल्कि किसी पावर ने गिराया। फिर जोश के जॉब पर जाने के बाद रेनाई सारे घर को मैनेज करती है और फिर उसके बाद अपने सॉन्ग अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है। और तभी उसे उसकी छोटी बेटी के रोने की आवाज़ आती है और वो उसे चुप करवाने जाती है। वो अपनी बेटी को चुप करवाती है, लेकिन चुप करवाने के बाद भी बच्ची बार बार रो रही होती है। रात डॉल्टन खेल रहा होता है, तब लॉफ रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। डॉल्टन लॉफ रूम में जाता है और वहाँ पर लाइट ऑन करने की वजह से वो एक सीढ़ी से स्लिप होकर गिर जाता है। और वहीं पर डॉल्टन किसी चीज को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख रनाई और जोश सुन लेते हैं और वो भागकर डॉल्टन के पास आता। डॉल्टन वहाँ पर किस चीज से डरा था ये बात वो उन्हें नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि वो सीढ़ी से गिर गया था। गिरने की वजह से डॉल्टन के सर और पांव पर मामूली सी चोटें लग जाती और जोश उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। रनाई जो कि सुबह से ही अपना म्यूजिक शीट का बॉक्स ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि वो बॉक्स भी लॉक रूम में ही पड़ा हुआ और वो बॉक्स उसी साइड पर पड़ा हुआ था जिस साइड पर देखकर डॉल्टन डर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब जोश डॉल्टन को उठाता है तब वो नहीं उठता, जिस पर जोश और रनाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते और वहाँ पर उन्हें ये बैड न्यूज मिलती है कि डॉल्टन कोमा में चला गया। और यहाँ अजीब बात ये थी कि डॉल्टन के कोमा में जाने का असल रीजन डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। इसके बाद 3 महीने गुजर जाने के बाद उनके घर को दिखाया जाता है। तब तक वो लोग डॉल्टन को घर ले आते हैं, लेकिन डॉल्टन अभी भी ठीक नहीं हुआ होता, वो अभी तक कोमा में ही होता। फिर जब सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी बेबी के रूम से बेबी मॉनिटर में कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आती हैं और वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती हैं और फिर वो बच्ची रोने लग जाती है। तब रनाई भागकर वहां जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। रात को रनाई का दूसरा बेटा फॉस्टर उसको कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करना चाहता हूं। तब रीजन पूछने पर वो बताता है कि रात को डॉल्टन नींद में चलता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। हालांकि फॉस्टर का रूम डॉल्टन के रूम के बिल्कुल सामने होता है और डॉल्टन तो कोमा में था, तो इसी वजह से रनाई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आधी रात को फॉस्टर की आंख खुलती है और वो सामने वाले रूम में देखता है जहाँ पर डॉल्टन सो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और अपने रूम का डोर बंद कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। तब फॉस्टर डर कर जल्दी से भागकर अपने बेड पर आ जाता है। जोश और रनाई अपने रूम में होते हैं तब उनके मेन दरवाजे पर नॉक होता है। जोश वहाँ पर जाकर चेक करता है कि कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जोश दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन करके वापिस अपने बेडरूम की तरफ आ रहा होता है, लेकिन घर का अलार्म जोर शोर से बजना शुरू हो जाता है। तब जोश भागकर वहाँ जाकर चेक करता है और वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा और अलार्म दोनों को बंद करता है और तभी रनाई अपनी बेटी के रोने की आवाजें आती है। रनाई जब अपनी बेटी के रूम में जाती है तब उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी शाउट करती है और जोश को बुलाती है। तब जोश भागकर वहाँ पर आता है और वो बताती है कि उनकी बेटी के रूम में कोई आदमी था। जोश सारे रूम को चेक करता है। अब जोश जब दोबारा मेन डोर के पास आता है तो वो देखता है कि इस बार भी दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको वो कई बार बंद कर चुका है। इस बार भी जोश वही करता है, दरवाजा और अलार्म दोनों बंद करता है और पूरे घर को चेक करता है, आखिर ये क्या माजरा है और कोई है तो नहीं घर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी डॉल्टन की कंडीशन पर जरा पॉजिटिविटी नहीं आ रही और डॉक्टर्स भी इसके पीछे असल वजह को नहीं जान पा रहे। और रनाई को डॉल्टन की बेडशीट पर खून से भरे हुए एक पंजे का निशान नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और फौरन जोश को कॉल करती है। लेकिन जोश घर आने में थोड़ी देर कर देता है, जिस पर उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा होता है। रनाई जोश को बताती है कि ये घर कर्ज है और जब से वो यहाँ पर आए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। उसे लगता था कि शायद इस घर में कोई गड़बड़ है और चीजें भी अपने आप इधर से उधर मूव हो जाती थी। रात को रनाई को एक ख्वाब आता है और ख्वाब में वो डॉल्टन और उसके साथ वहाँ पर एक शैतान को देखकर वो नींद से जाग जाती है। और तभी रनाई को बाहर किसी का चलता हुआ शेडो नजर आता है और तभी एक आदमी उसके रूम के अंदर आ जाता है। तब डरी और सहमी हुई रनाई शाउट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो आदमी उसे डरा देता है। जोश जल्दी से वहाँ पर आगरा से कहती है कि अब वो मजीद इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। वो लोग उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग में इनकी हेल्प करने जोश की मदर लॉरेन भी वहाँ पर आती है। एक पिक्चर को देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है कि जोश ने अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बनवाई है। इस घर में भी रनाई को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब फील हो रहा है और घर में एक बच्चे का गोस्ट उसे नजर आता है और घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और खुलते हैं। और रनाई देखती है कि उस बच्चे का भूत डॉल्टन के रूम में जाकर छुप गया है। रनाई एक बार फिर से डर जाती है और फिर वो एक फादर को बुलाती है। तब रनाई जोश को बताती है कि पिछले घर में जो शैतान था वो उन लोगों के साथ इस घर में भी आ गया है और वो उसे बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है, जिस पर लॉरेन भी रनाई का ही साथ देती है। जोश की मदर उसे बताती है कि मैंने ख्वाब में एक शैतान को देखा और जब मैंने उसे पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है और क्या चाहता है, तब उस शैतान ने कहा कि मुझे डॉल्टन चाहिए। और इन बातों के दौरान ही वही शैतान लॉरेन को जोश के पीछे नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। और इतने में डॉल्टन के रूम से भी आवाजें आना शुरू हो जाती है और ये लोग भागकर उसके रूम में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने उसे इधर उधर फेंका है।
और यहाँ तक कि डॉल्टन भी अपने बेड से नीचे गिरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर रेनाई मजीद डर जाती है और फिर लॉरेंडर नॉर्मल एक्टिविटी की स्पेशलिस्ट इलीस को बुलाती है। इलीस घर आती है और जब वो डॉल्टन के रूम में जाती है तब वहाँ पर उसे किसी शैतान की प्रेजेंस का एहसास होता है। इलीस को वहाँ पर शैतान नजर आता है और साथ साथ उसे उस शैतान का इरादा भी पता चल जाता है कि वो डॉल्टन के लिए ही यहाँ पर आया। रोशो रेनाई को बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है बल्कि उसकी ऐसी हालत एक ऐसी खूबी की वजह से हुई है जो हर किसी के पास नहीं होती और इस खूबी की वजह से ही डॉल्टन की सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा सकती है और डॉल्टन की सोल एक ऐसी दुनिया में जाकर फंस गई है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं यानी डॉल्टन की सोल की दुनिया में चली गई है और इसीलिए घर बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हॉन्टेड उनका घर नहीं था बल्कि डॉल्टन। डॉल्टन के वहाँ पर होने की वजह से डीमन सोल उसकी तरफ आ रही है ताकि उसे पोजेस कर सके क्योंकि किसी भी इंसान को पोजेस करना आसान नहीं होता और इसीलिए वो सारे शैतान बहुत अरसे से ये कोशिशें कर रहे हैं। और जॉर्ज डॉल्टन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कोई हिंट दो। और तभी डॉल्टन की बनाई हुई पेंटिंग्स में एक पेज नीचे गिरता है। जॉर्ज उस पेज को उठा लेता है और उसकी नजर डॉल्टन की बनाई गई बाकी पेंटिंग्स पर जाती है और उन ड्रॉइंग्स में एक ड्रॉइंग वो भी होती है जो उस शैतान की। इस पर जॉर्ज को रियलाइज होता है कि इलीस बिल्कुल ठीक थी। इलीस और उसके साथी डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उनका रास्ता हो भी डॉल्टन उनकी आवाज सुन सकता था और वो भी रिप्लाई भी करता है। डॉल्टन ने बताता है कि वो एक आदमी से डरा हुआ है जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा आग है और डॉल्टन इन लोगों से बात करने से डरता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं वो शैतान उनकी कन्वर्सेशन ना सुने। डॉल्टन डरी हुई आवाज में कहता है कि उस शैतान ने हमारी बातें सुन ली और इसके साथ साथ डॉल्टन बुरी तरह डर जाता है और इसके साथ ही उन लोगों के साथ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है और डॉल्टन अपने पैर से उठकर इन लोगों के साथ जाता है और उस वक्त डॉल्टन के पास ऐसी पावर होती है कि वो उन लोगों को इधर उधर फेंक रहा होता है और साथ साथ वो टेबल और चीजों को भी इधर उधर फेंकता है और तभी बाकी गोस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक शैतान रेनाई को पकड़कर डरा देता है और इस बार जॉर्ज भी उसे देख लेता है और जब जॉर्ज रेनाई को बचाने की कोशिश करता है तब वो शैतान उसे दूर फेंक देता है और इन सबके दौरान इंग्लिस डॉल्टन से उस शैतान बनने की कोशिश करती है। तब डॉल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ अपनी वापस आ गया। असल डॉल्टन अभी भी कोमे ही होता है। जो कुछ देर पहले उन लोगों के साथ हुआ था उस सारी रिकॉर्डिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान डॉल्टन के पीछे खड़ा हुआ था जो उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहता था और वही डॉल्टन से वो सब कुछ करवा रहा था। लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था वो नींद में डर जाता था और उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती थी और अपनी डर को बताता था। उस बूढ़ी औरत से जोश डरता भी था लेकिन लॉरेन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जब उसने जोश की पिक्चर्स बनाई तो हर पिक्चर में वो बूढ़ी औरत भी उसके साथ कैप्चर हो गई। उस बूढ़ी औरत का मोटिव ये था कि वो जोश की सोल को मरी हुई दुनिया में ले जाकर उसकी बॉडी को पोजेस कर सके। वो कहती है कि ये सब होने के बाद उसने इलीस से मदद ली थी और जोश को इन सब चीजों से बचा लिया था। इलीस ने जोश के माइंड से सारी वो बैड मेमोरीज को खत्म कर दिया था लेकिन आज तक जोश पिक्चर्स खिंचवाने से डरता है और यही वजह है कि एल्बम में उसकी कोई बचपन की पिक्चर भी नहीं थी। इलीस उसे कहती है कि अब जोश ही है जो डॉल्टन को बचा सकता है और वो उन मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर डॉल्टन को वहाँ से बचाकर ला सकता है। और वो कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ के लोगों को ये पता ना चल सके कि तुम इसी दुनिया से गए हो वरना वो लोग तुम्हारी बॉडी के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर जॉर्ज दूसरी दुनिया में चला जाता है और डॉल्टन को ढूंढता है। इसी दौरान वो बहुत सारे क्रीपी गोस्ट को देखता है। आगे जाकर वहीं पर उसे डॉल्टन भी मिल जाता है जिसके पांव को किसी ने जंजीरों से बांधा हुआ था। वो दोनों मिलते हैं और डॉल्टन जॉर्ज को बताता है कि वहां पर एक शैतान है और उसी शैतान ने उसे यहां पर रखा हुआ है। जॉर्ज डॉल्टन को उन जंजीरों से आजाद करता है और तभी वो शैतान जॉर्ज को देख लेता है। वो शैतान जॉर्ज पर अटैक करता है। जॉर्ज किसी तरह अपनी जान बचाकर डॉल्टन को वहां से भागता है लेकिन जॉर्ज वहाँ आसानी वापस नहीं आ रहा होता क्योंकि बहुत सारे भूतों ने उसे घेरा होता। तब रेनाई जॉर्ज की हेल्प करने के लिए उसे आवाजें लगा रही होती और तभी जॉर्ज घर के अंदर आ जाता है और डॉल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अंदर अपनी बॉडी के पास चला जाए। तभी डॉल्टन आगे चला जाता है और हर जगह पर अपनी बॉडी को ढूंढता है और इतनी ही देर में डॉल्टन के पास वहाँ पर वो शैतान आ जाता है जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। तब डॉल्टन भागता है और शैतान भी उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन डॉल्टन भाग कर अपनी बॉडी के पास आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज को बूढ़ी बूढ़ी और नजर आती है जिसे वो बचपन में देखा करता था। जॉर्ज उस पर काफी शाउट करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ मुझे अकेला छोड़ तो मैं तुमसे नहीं डरता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज तो असल में घर के बाहर होता है और वो बूढ़ी आत्मा घर के अंदर होती है। और तभी जॉर्ज और डॉल्टन होश में आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि डॉल्टन भी होश में आ गया है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इलीस और उसके साथी अपना सामान वापस लेकर जा रहे होते हैं। जॉर्ज और इलीस बातचीत कर रहे होते हैं और जॉर्ज अपनी पुरानी पिक्चर इलीस को वापस करता है और पिक्चर लेने के दौरान इलीस जॉर्ज के हाथों को देखकर चौंक जाती है और फिर वो जॉर्ज की पिक्चर बनाती है जिस पर जॉर्ज काफी भड़क जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत का गोश्त जॉर्ज की बॉडी में आ चुका है और अब जॉर्ज की सोल दूसरी दुनिया में फंस गई है। वो इलीस पर अटैक करता है और उसका गला घोट कर उसे मार देता है। और इन सब के दौरान इलीस के चीखने की आवाज रेनाई सुन लेती है और वो उसे देखने जाती है। जब रेनाई वहाँ पर आती है तब वो इलीस को मरा हुआ देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो उसी कैमरे में जॉर्ज की फोटो यानी उस बूढ़ी औरत की सोल को देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान भी हो जाती है और डर भी जाती है और इतनी देर में उसके पीछे जोश आ जाता है और रेनाई डर जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड